भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। आज राजस्थान के जयपुर में हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर नेशनल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, आप सबके दिलों में बसने वाले अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने राजनीति, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का प्रण लिया है, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। और राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी राजस्थान को प्यार करने वाले, आम आदमी पार्टी को प्यार करने वाले और देश को प्यार करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे कुछ लोग मिले, वो जैसलमेर से आए, कोई पोखरण से आया है, कोई पीलीबंगा से आया है, कल रात के चले हुए हैं, कोई गंगानगर से आया है। ये आपका प्यार है, यही प्यार है जो हमें थकावट नहीं होने देता। हम इसलिए आपके साथ हैं। राजस्थान में दोनों पार्टियों ने बारी बारी पांच पांच साल की बारी बनाकर राजस्थान को लूटा के नहीं लूटा। पांच साल बीजेपी, पांच साल कांग्रेस। हमको ये लगता था शायद अब सत्ता से बाहर होके ये जो सत्ता से बाहर हुई पार्टी है वो ठीक हो गई, चलो दोबारा ले आते हैं। दोबारा आके फिर नए सिरे से लूटने लगते थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब भगवान ने एक झाड़ू भेज दिया है जो ये गंदगी की सफाई करेगा। सफाई भाई साहब, दिल्ली में सफाई हुई। दो बार कांग्रेस को देश की राजधानी में, सबसे पुरानी पार्टी खाने वाली कांग्रेस को, दो बार 2015 और 2020 में कितनी सीटें मिली? जीरो, जीरो। और उसके बाद पिछले एक साल अभी हुआ नहीं है, 16 मार्च को, तीन दिन बाद एक साल होगा पंजाब में सरकार बने हुए। और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को कितनी? दो। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। जब झाड़ू चलती है ना, ऐसे सफाई होती है। फिर तो जो मैं आपका जुनून देख रहा था, जो आपके इरादे, जो आपकी आंखें बता रही थी कि राजस्थान में भी आप झाड़ू चलाने के लिए तैयार बैठे हो, अब तीसरा विकल्प आ गया है, विकास का विकल्प आ गया है, अच्छे स्कूलों का विकल्प आ गया है, मुफ्त इलाज का और मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प आ गया, फ्री बिजली का विकल्प आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का विकल्प आ चुका है आपके पास। भाई साहब, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते थे, ये सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए। भाई साहब देखो, कुदरत का संयोग, हम तो चुनकर आ गए, वो सड़कों पर है ना। अब इनको एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में, इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं, ये तो समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। अरे इन्होंने अस्पताल बना दिए, ये तो गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए का ऑपरेशन और पैरासीटामोल की गोली से लेके सब कुछ फ्री दे रहे हैं, ये तो लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ाने लग गए। जिन अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों से हमने सौदा किया था कि हम आपको कस्टमर देंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं है। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे। इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए
उसको अंदर कर दो। भाई साहब सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। ये इनकी नीति है, ये इनकी नियत है, ये नीति और नियत दोनों ये है भाई साहब। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में इलाज फ्री कर दिया, दिल्ली के स्कूल के काया पलट कर दी। जो 300 350 करोड़ में ओवरब्रिज बनता था वो 100 150 करोड़ में बनाया और दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी पिछले 7-8 साल में। तो दिल्ली का नक्शा पलट दिया भाई साहब और दिल्ली पर 1 रुपया कर्जा भी नहीं होने दिया। तो अब इनकी निगाह ये है कहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर ना फैल जाए, वरना ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी पूरे देश में। तो भाई साहब राजस्थान के स्टूडेंटों को नौकरी उनकी डिग्री के मुताबिक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान के बुजुर्गों को, आपके माँ बाप को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिजली फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बड़े साहब कहते हैं, बड़े साहब वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल जी। अरे लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों से पैसा लेकर टैक्स का उसको लोगों पर ही लगाना है, तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे हो गई? अगर ये फ्री की रेवड़ी है, यहाँ पर कुछ बीजेपी वाले भी खड़े होंगे, आते हो ऐसी सभाओं में जरूर आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है शाम को अपने बॉसेस को, और बॉसेस पूछते हैं कितना रश था, कितनी जोर से नारे लग रहे थे, तो इतनी जोर से नारे लगाना आज कि वो कहें सर आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको भी घर पे सुनी गए होंगे। तो अगर ये बिजली, ये शिक्षा, ये इलाज, ये मुफ्त की रेवड़ी है, तो बड़े साहब जी बता दीजिए 15 लाख हर खाते में आएगा, ये पापड़ किसने बेचा था? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा हर साल, ये वाला झूठ किसने, जुमला किसने बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब महंगाई कम हो गई? गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया ना, तेल का रेट बढ़ गया ना, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, आपकी पेंशन खा गए, सब कुछ बेच दिया। और ये मत सोचना कि इतना कुछ बेच दिया कुछ खरीदा नहीं, खरीदा भी है, कौन? मीडिया। हाँ हाँ, कुछ मीडिया है। और मैं तालियां चाहूंगा ये वाले मीडिया के लिए, कम से कम इन्होंने हिम्मत तो की कैमरे लगाने की हमारे सामने। अब हमको टीवी पर आज शाम को दिखाना ना दिखाना तो इनके बॉस का काम है, लेकिन इन्होंने शूटिंग तो कर ली, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी। तो भाई साहब जो झाड़ू है वो सफाई करता है। जब आप वोट डालने जाओगे, इलेक्शन की जो मशीन होती है उस पे आप देखना, हर एक नाम है और हर पार्टी के सामने चुनाव चिन्ह है। मेरी बात ये याद रखना, जयपुर में भगवंत मान आए थे और ये बात कह के गए थे, जहां भी जाता हूं वो कहता हूं कि वो बटन जो है जो दबाओगे, वो बटन ना तो कांग्रेस के पंजे का है, ना बीजेपी के कमल के फूल का है, ना ही वो किसी हाथी का है, ना ही किसी सीढ़ी का है, ना ही किसी दाती हथौड़े का है, और ना ही किसी तीर कमान का है, और ना ही किसी झाड़ू का है वो बटन। असल में राजस्थान वालों, वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। इससे पहले आपके पास 2 ही बटन थे और उनमें से एक ही दबाना पड़ता था। किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो, किस्मत बदलनी है तो क्या बदलना है और कौन सा बटन आ गया नया? ये कहते रहते ना डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन। भाई डबल इंजन का जमाना खत्म है, नया इंजन चाहिए। ये देखिए नए मॉडल का इंजन पहुंच चुका है मार्केट में,
इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, पोल्यूशन भी नहीं करता, स्पीड भी बहुत अच्छी है विकास की, और नया इंजन है, और दिल्ली में नया इंजन लगा, दिल्ली की पटड़ी जो गाड़ी है वो पटड़ी पे चढ़ गई। तो नए इंजन की जरूरत है, लेटेस्ट मॉडल के नए इंजन की हमको दो इंजनों की जरूरत नहीं है। जो डबल इंजन है वो डबल करप्शन करता है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको कहने आए हैं, आपको यही कहने आए हैं, जितना प्यार आप कर रहे हो ना, जितना प्यार आप, मुझे पता चला हमारे कल रात हमारे वर्करों ने झंडे लगाए, हमारे फोटो लगाए होंगे, सुबह तक वो सारे ही उतार के फेंक दिए, आज फिर लगाए, फिर उतार कर फेंक दिए। भाई साहब हमारे झंडे उतार दोगे, हमारे फोटो जो है वो निकाल दोगे, लेकिन जो लोगों ने दिल में जगह दे रखी है उसको कैसे निकालोगे? क्योंकि हुकूमत वही करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत से मेरे भाई यहां पे राजस्थान में आए हैं, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये भगवंत मान की लड़ाई नहीं है, ये मनीष सिसोदिया की लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है भाई साहब, तुम्हारी लड़ाई है। लड़ोगे ना? हर घर में केजरीवाल होना चाहिए, हर घर में झाड़ू की बात होनी चाहिए, हो जाएगी ना। पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपने ये आंधी कैसे रोक दी, मैंने कहा किसकी आंधी, कहते ये बीजेपी की, पंजाब में आपने कैसे रोका इनको, मैंने कहा जी बात सीधी सी है, दिल्ली और पंजाब में हमने कैसे रोका, मैंने कहा जी हम उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कहते कमल का फूल, मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, कहते झाड़ू, मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, वो बोले कीचड़ में, मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई, मैंने कहा हमने कीचड़ से झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं पंजाब में ना दिल्ली में, तो यही यहाँ करना पड़ेगा भाई साहब, यही यहाँ करना पड़ेगा, वरना वरना मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, अभी तो रेल तेल एयरपोर्ट LIC बैंकें बेची हैं, अभी बहुत कुछ बेच देंगे, ये आपके बच्चों का फ्यूचर बेच देंगे, ये आपके बच्चों की शिक्षा बेच देंगे, ये आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज बेच देंगे, ये शहीदों के कफन बेच कर खा गए, इनसे क्या उम्मीद करते हो, ये पत्थर दिल लोग हैं। किसी नदिया के घाट पर, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग फंस जाते तो आम जनता के दो होंठ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर सरकार हुक्म चला नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो दो हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगाने हैं, और नारे वो लगाने हैं जो यहाँ पे आए हैं उनके वाले, वो ये बताएं जी, हमें बताने की जरूरत क्या, आपके घर पे भी सुने होंगे, उनके घर के शीशे और ताकियां हिले दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, वंदे, बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से सुना।